Hello students. In this video, we are going to learn about math. Math of class five. Exam is PT two exam, and this is a part one video. So this is a revision. This is a revision for part one. So this is the first part of the revision. So all of you watch this video with

नेट क्या होता है पहले थोड़ा समझ लीजिएगा जब हम क्यूब को ओपन करते हैं तो इस तरह का नेट हमें मिल जाता है अलग अलग तरह का नेट मिलता है वैसे तो क्यूब को ओपन करने के बाद कैसे ओपन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है बट यहाँ पर उन्होंने एक नेट दिया हुआ है इस नेट के अंदर डीप ड्राइंग दी हुई है कट आउट ऑफ द नेट इज़ फोल्डेड टू मेक अ क्यूब इस कट आउट को इस नेट को हमने फोल्ड किया और क्यूब बनाया विच ऑफ दीज आर द करेक्ट डीप ड्राॅइंग ऑफ द क्यूब इसका डीप ड्राॅइंग कैसे होगा तो बच्चों इसके सही आंसर है ए डी एंड ई ये तीनों पॉसिबल है दो चीज़ें पॉसिबल नहीं इसमें ये और ये आप बोलोग सर इसे फटाफट हम कैसे समझ लेंगे इसे कैसे पता चलेगा हमें ये सही है ये गलत है तो बच्चों इसके लिए मैंने एक वीडियो मेरे चैनल में अपलोड किया हुआ है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा तो उसको उससे आपको पता चल जाएगा कि आप ये कैसे करना है और कैसे करना नहीं है तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए उसको देखना मत भूलिए उससे आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन नाउ एंड दिस क्वेश्चन इज दे आर गिवन अ थ्री डायमेंशनल शेप्स हियर, एंड द कट आउट ऑफ द नेट एंड द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग शेप विद यर रिस्पेक्टिव नेट्स यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के थ्री डायमेंशनल शेप दिए हुए हैं और उसको हम ओपन करते हैं उसको नेट बनाते हैं, कैसे दिखा दिखेगा इसके बारे में वे मैच करना है तो पहले शेप्स के बारे में देखते हैं क्या क्या है लगभग ये आप कहेंगे तो ये क्यूब है ये दूसरा वाला है वो क्यूबॉइड है ये तो आपको दिख रहा है ट्रेंगल है नेक्स्ट ये आप देखोगे तो ये तो कोन है जैसे आपको पता ना बर्थडे में आप कैप पहनते हैं इसको तो हम सिलेंडर कहते हैं और ये थोड़ा अलग टाइप का शेप है देखेंगे एक एक का क्या होगा यहाँ पर बच्चों तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो ए मैच कर रहा है टू से क्यूबॉइड ओपन करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है क्यूब सॉरी नॉट क्यूबॉइड ये क्यूब नेक्स्ट है क्यूबॉयड तो क्यूबॉयड के लिए ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर मैच हो जाता है या फोर्थ वाला नेट मैच हो जाता है उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बच्चों मैं थोड़ा सा एक अलग कलर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये जो सिलेंडर है ना बच्चों सिलेंडर इससे मैच हो जाता है सिलेंडर इससे मैच हो जाता है आपको अगर आपने अगर एक साथ बहुत सारे शटल कॉक मंगवा लिए या दे लिए तो इस टाइप का आपको मिल जाता है ये पूरा सिलेंडर मिल जाता है और इस सिलेंडर के दोनों टाइप जो ढक्कन होता है ये ढक्कन यहाँ पर ये जो यहाँ आ गया ना ये वो उसमें दिख रहा है आपको नेक्स्ट है बच्चों ये बर्थडे वाला कैप जिसको हम कहते हैं कोन जिसको हम कहते हैं कोन तो इसको मैच हो जाता है यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है आप घर में भी अगर आपके पास बर्थडे कैप है तो उसको ओपन करके जरूर देख सकते हैं लास्ट वाला शेप बच गया तो बच्चों और एक शेप बचा हुआ है तो ये जो शेप है इसको मैं एक अलग कलर यूज करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दिस शेप मैच विद एंड दिस, दिस मैच विद दिस तो ये बच्चों आपको जितना पॉसिबल है मैं उतना उसकी वीडियो बना के भेजूँगा कि ये जो नेट बनता है वो कैसे बनता है बट ये जो दिख रहा है ये है सही है आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और कोशिश करिएगा आपके घर में इसमें से कोई थ्री डायमेंशनल शेप मिलता है तो उसको ओपन करना है और देखना है कि वो किस तरह से नेट उसका बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बच्चों यहाँ पर यह बुक का ही क्वेश्चन है शी मेड फोर मोर शेप्स इच इज टू बी फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी मेड अ बॉक्स स्टूडेंट्स ये दे आर गिवन शेप। गिप ओपन वन, नेट गिवन वन

आपको डॉटेड लाइन इसको फोल्ड करना है फोल्ड कर करने के बाद इसमें से कौन से कौन से ऐसे शेप्स हैं जिनका क्या बनेगा बॉक्स बनेगा यहाँ याद रखना ये तो ऐसे कौन से कौन से शेप्स हैं जिनका बॉक्स बनेगा उसको आपको क्लिक करना है एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं अगर एम एग्ज़ाम हो जाए गूगल फॉर्म वाला तो क्लिक क्लिक करना पड़ेगा ठीक है ना बच्चों मतलब एक ए ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है किस फिगर का बनेगा किस फिगर का नहीं बनेगा वो लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर रिटर्न एग्जाम हो जाता है तो उसमें आपको तो लिखना पड़ेगा या टिक करना पड़ेगा जो भी आपको एग्जाम होगा उसके हिसाब से उसको क्लिक करना है ए एंड सी ए एंड सी आर द शेफ्स विच वी कैन फोल्ड इन टू बॉक्स राइट एंड द ऑप्शंस बी एंड डी वी आर नॉट एबल टू मेक द बॉक्सेस ऑफ दिज टू शेप्स बाय फोल्डिंग एट द डॉटेड लाइन्स करेक्ट सो इफ यू फॉर द सेम जैसे मैंने पहले बताया इसकी आपको घर में प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी मैं भी आपका ऐसा एक वीडियो बना के भेजने की कोशिश करता हूँ <coughs> देखते हैं क्या होता बाद में तो तब तक लेकिन आपको इसको याद जरूर रखना है एग्जाम के लिए नेक्स्ट बच्चों ना मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ना कुछ तो So, क्या कहते हैं आपको अच्छे से पता है इसका नाम क्या है बताइए इस इज अ फ्लोर मैप दिस इज अ फ्लोर मैप आप पूछेंगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है क्वेश्चन भी नहीं दिया है आपको उसके बारे में क्वेश्चन अलग अलग तरह से बन सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डोर्स एंड हाउ मेनी विंडोज आर दियर हाउ मेनी डोर्स एंड हाउ मेनी विंडोज आर दियर कितने विंडोज हैं एंड कितने डोर्स हैं तो देखते हैं लिखा हुआ है एक विंडो दो तीन चार सो देर आर फोर विंडोज एंड वन डोर अब बच्चों ये विंडोज और डोर हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें नहीं लिखा हो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ शेप ऑफ डोर और दिस इज साइन ऑफ डोर एंड अ साइन ऑफ अ विंडो सो दिस इज फॉरगेट दिस डॉटेड लाइन फॉरगेट दिसन दिस इज द शेप ऑफ द डो एंड दिस इज द शेप ऑफ द विंडो ये विंडो का शेप है ये है तो यहाँ पर ऐसे पिंक लाइन नहीं दी जाएगी आपको ब्लैक लाइन ही दी एग्जाम में दी जा सकती है पिंक का है तो पिंक भी आ सकती है बट आपको उस शेप को याद रखना है सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी विंडोज़ आर दियर एट द फ्रंट साइड ऑफ़ द हाउस हाउ मैनी विंडोज़ आर दियर ऐट द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस हाउस के फ्रंट में हाउस के सामने में कितने विंडोज़ हैं अब हमेशा याद रखिए कई बच्चे बोलते सर ये फ्रंट क्यों नहीं हो सकता ये फ्रंट क्यों नहीं हो सकता वाई दिस साइड इज कॉल्ड द फ्रंट साइड बिकॉज व देर इज़ ऑलवेज अ डोर एट द फ्रंट साइड हमारे घर का जो मेन डोर होता है मेन दरवाज़ा होता है वो फ्रंट में होता है उसी से हम आना जाना करते हैं तो ये हमारा पूरा घर है है? अंदर रूम कैसे हैं कहां बाथरूम है ये हमने नहीं दिखाया कंप्लीट फ्लोर मैप ऑफ हाउस एंड दिस द ओनली वन डोर विच द फ्रंट साइड जहां डोर है वो हमारी साइड फ्रंट होती है सो so, ये एक विंडो है देर इज अ वन विंडो एट द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस तो इस तरह दो तो तीन क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट cannot बी used टू फॉर्म अ क्यूबिकल बॉक्स विथ नो लीड यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों क्या लिखा है आप बहुत सारे बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होंगे क्यूबिकल बॉक्स बस सर ने लिखा है क्यूबिकल बॉक्स एग्जाम में लिखा है क्यूबिकल बॉक्स तो हमें यह सोचना है क्यूबिकल बॉक्स किसका बनेगा और किसका नहीं बनेगा ऐसे नहीं है बच्चों यहाँ नो लीड बिना लीड का किस किस में बनेगा है ना तो ये आपको अच्छे से समझना है तो इसके ऑप्शनस है ए बी सी तीनों नेट में ऐसा बॉक्स बनेगा मतलब तो जिसका अगर हम जैसे एक वीडियो मैंने भेजा है इसके भी आप खुद वीडियो बना के आ, बना के देख सकते हैं वीडियो मतलब खुद आप उसका नेट बना के कट करके फोल्ड करके दे सकते हैं लेकिन अपने पेरेंट के जरूर साथ में रखिएगा ताकि वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस है ए बी एंड सी जिस ये नेट फोल्ड करने से क्या बनेगा क्यूबिकल बॉक्स विथ नो लीड तो ये हाँ इससे नहीं बनेगा और डी ऑप्शन से हमारा रॉन्ग हो जाएगा ये नेट से ये नहीं बनेगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल एक क्वेश्चन है हियर आर सम ड्राइंग्स ऑफ द मॉडल मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राॅइंग विंड द करेक्ट साइड व्यू बाई यस यहाँ पर एक मॉडल दिया हुआ है इसके दो तीन क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड कितने क्यूब्स लगेंगे इस मॉडल को बनाने के लिए एक चीज़ हो गई दूसरा पूछा है कि इसमें से टॉप व्यू हमें कौन सा दिखेगा एंड साइड व्यू हमें कौन सा दिखेगा तो बच्चों यहाँ पर जो व्यू है बच्चों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से जरा आप इसको टॉप से देखेंगे तो कैसे दिखेगा एंड साइड से दिखेगा तो कैसे तो यहाँ पर टॉप व्यू हमारा ये है देखिएगा ये 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 टॉप व्यू है हमारा ये दिस इज़ अ टॉप इसके लिए हमें टी लिखा है एंड ये हमारा है साइड व्यू इसके लिए हमने लिखा है एस साइड व्यू के लिए एस लिखना था एंड टॉप व्यू के लिए हमें लिखना था टी तो टॉप व्यू हमने लिखा एंड हमने स्टूडेंट इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इस फिगर बनाने के लिए ये वाला शेप बनाने के लिए कितने क्यूब्स लगेंगे हाउ मेनी क्यूब्स आर वी नीडेड टू मेक दिस शेप क्लियरली फाइंड आउट दैट फॉर द फर्स्ट लेयर और द टॉप लेयर वी रिक्वायर नाइन क्यूब्स सेम वे फॉर द सेकेंड लेयर वी वॉन्ट सिक्सटीन फ़ॉर द थर्ड लेअर वी वन ट्वेंटी वन क्यूब्स फॉर द फोर्थ लेयर वे वन ट्वेंटी फोर क्यूब्स एंड लास्ट लेयर वी वन द ट्वेंटी फाइव क्यूब्स टोटल नाइन्टी फाइव क्यूब्स टोटल नाइन्टी फाइव क्यूब्स नीडे टूअर्स बच्चों टोटल नाइन्टी फाइव क्यूब्स हमें लगेंगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है टोटल हमें नाइन्टी फाइव क्यूब्स लगेंगे मैंने टॉप व्यू के लिए इसको बता दिया था साइड व्यू के लिए इसको बता दिया था तो ये रिविज़न का एक दूसरा जो पार्ट है ये पूरा हो जाता है पार्ट वन अच्छे से प्रिपेस किया कीजिए बच्चों अच्छे से पढ़िए तभी तभी आपको अच्छी सारी चीज़ समझ में आएगी